हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा और स्वागत है आपका टारगेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज सब कुछ आसान रखते हैं। कोई सवाल नहीं पूछूंगी और ना ही कुछ गैस करने को कहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आज की वीडियो उनके लिए है जो बीकॉम करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बीकॉम कर चुके हैं पर थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं कि अब आगे क्या करें। अब आप पहले से इतना कन्फ्यूज़ हैं तो मैंने सोचा कि और मुश्किल क्यों करना। चिंता ना करें दोस्तों, मैं आज यहाँ आपके इस सवाल को लेकर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हूँ कि बीकॉम के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बीकॉम के बाद हर उपलब्ध ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, जैसे कि बीकॉम के बाद कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज, अकाउंट से रिलेटेड कोर्सेज, फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज और बैंक और इंश्योरेंस से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। यही नहीं, बीकॉम के बाद कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताऊंगी। अगर आप इन सब में दिलचस्पी रखते हैं और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। बीकॉम के बाद उपलब्ध कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बीकॉम कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स एक अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स कोर्स है जो किसी की चॉइस पर निर्धारित रेगुलर मोड या कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर डिस्टेंस मोड से भी किया जा सकता है। बैचलर ऑफ कॉमर्स कोर्स 3 साल का कोर्स होता है। ये डिग्री स्टूडेंट्स को कॉमर्स, अकाउंट्स के अलावा मैनेजरियल कौशल प्रदान करता है। ये स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉज, इकोनॉमिक पॉलिसीज और कई और पहलुओं के बारे में बताता है। अब हम शुरू करते हैं बीकॉम के बाद उपलब्ध कुछ एकेडमिक कोर्सेज के बारे में। पहला कोर्स जो हर कॉमर्स ग्रेजुएट के दिमाग में आता है वो है मास्टर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम के बाद स्टूडेंट्स का कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री चुनना बेहद आम बात है। एमकॉम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन, मार्केटिंग और मैनेजमेंट पर फोकस करता है। ये 2 साल का प्रोग्राम होता है जो कि भारत में ज़्यादातर हर यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता है। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA एक व्यापक और सबसे ज़्यादा ली जाने वाली डिग्री है। MBA की काफ़ी वैल्यू होती है अगर किसी जाने माने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से की गई हो, जैसे कि IIMs, XLRIs और फिर यूनिवर्सिटीज जैसे कि DU और PU। MBA में अच्छा कैरियर निर्धारित होता है उस इंस्टीट्यूट पर जहाँ से आप वो डिग्री कर रहे हों। ये 2 साल का प्रोग्राम होता है और इसे पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स आसानी से फाइनेंशियल और कई रिलेटेड सेक्टर्स में नौकरी ढूंढ सकते हैं। पर एक चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी वो ये है कि आपको टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए और स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना होगा, इसलिए कैट, मैट और जेट इत्यादि जैसे एग्जाम्स के लिए तैयार रहें। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कॉमर्स में अपनी पढ़ाई शुरू करने के बाद अगर आपको ऐसे लगता है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बेहतर कर सकते हैं तो MCA करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। MCA करने के बाद आप कंप्यूटिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जा सकते हैं। ज़्यादातर सभी जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ ये 3 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ MCA में एडमिशन देने के लिए 12th लेवल या फिर UG लेवल पर मैथ की मांग कर सकती हैं। प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार रहना होगा। मास्टर ऑफ फाइनेंस, मास्टर इन फाइनेंस को कुछ देशों में मास्टर ऑफ साइंस इन फाइनेंस भी कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स जल्दी और कॉस्ट इफेक्टिव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हैं वो इसे 12 से 18 महीनों में भी पूरा कर सकते हैं। ये पढ़ाई फाइनेंस और क्वांटिटेटिव के टेक्निकल पहलुओं में विशेषज्ञता पर फोकस्ड होती है। इस डिग्री को स्टेम डिग्री का पद भी मिला है। अगर आप विदेशी डिग्री के बारे में सोच रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। मास्टर्स इन अकाउंटेंसी, मास्टर्स इन अकाउंटेंसी 3 अलग अलग नामों से जानी जाती है, मास्टर ऑफ अकाउंटिंग, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग या मास्टर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग। इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन 1 से 2 साल की होती है। अकाउंटिंग एक संगठन की फाइनेंशियल गतिविधियों का माप है। ये माप इकोनॉमिक ट्रेंड्स को एनालाइज और इन्वेस्टर और मैनेजमेंट को ज़रूरी जानकारी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
मास्टर ऑफ फाइनेंस की तरह मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी भी नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सेटल होने के चाहवानों के लिए एक दूसरी ऑप्शन है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसे हम बीएड भी कहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है जो एजुकेशन के फील्ड में ही रहना चाहते हैं और भारत में मान्यता प्राप्त स्कूल में काम करना चाहते हैं। बीएड डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एजुकेशनल संस्थाओं द्वारा ली जाने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम में से एक को क्लियर करना होगा ताकि आप सीमित सीटों में से एक अपने लिए हासिल कर सकें। बीएड की डिग्री और सीटेट परीक्षा या स्टेट लेवल शिक्षक एलिजिबिलिटी एग्जाम पास करने के बाद आप भारत के किसी भी मान्य प्राप्त स्कूल में शामिल होने और एक एजुकेशनिस्ट के रूप में अपना कैरियर बनाने के लिए योग्य हो जाते हैं। ये थी कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए कुछ सर्वोत्तम ऑप्शन। हालांकि बीकॉम डिग्री होल्डर्स के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी उपलब्ध हैं और सबसे अच्छा विकल्प है चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। सीए कोर्स को कॉमर्स ग्रेजुएट्स के पास उपलब्ध सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इस कोर्स के 3 स्टेजेस या लेवल होते हैं जो कि एक सीए आकांक्षी को सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्लियर करने पड़ते हैं। ये 3 स्टेजेस हैं कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट और CPT और सीए फाउंडेशन कोर्स, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स या IPCC इंटरमीडिएट कोर्स और सीए फाइनल कोर्स। कॉमर्स ग्रेजुएट्स को CPT से छूट दी गई है लेकिन बाकी 2 स्टेजेस देने की आवश्यकता होती है। इन सभी स्टेजेस के लिए परीक्षा का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। सीए कोर्स पूरा करने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं क्योंकि एक बार में कुछ ही छात्र क्लियर कर पाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, सीएस कोर्स बिजनेस और क्वालिटेटिव एनालिसिस के कानूनी पहलुओं के बारे में होता है। इस कोर्स में भी 3 लेवल्स होते हैं जिन्हें आपको क्लियर करना पड़ता है, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और फाइनल कोर्स। ये कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जाता है। सीएस करने वाले कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी से MD या CEO तक की भूमिका निभा सकते हैं। CS कोर्स करने वालों के लिए अपार संभावनाएं होती हैं। LLB, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। LLB कोर्स BCOM के छात्रों के पास उपलब्ध एक और ऑप्शन है। कॉमर्स ग्रेजुएट्स अपनी BCOM को पूरा करने के बाद 3 साल के LLB डिग्री कोर्स के लिए जा सकते हैं और अपने कानूनी मामलों को संभालने वाले कॉर्पोरेट फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन LLB कोर्स में एडमिशन के लिए छात्रों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA दुनिया भर में अकाउंटेंसी के क्षेत्र में कॉम्पिटेंस का स्टैंडर्ड है। BCOM के बाद CPA एक लोकप्रिय मार्ग है। इस कोर्स की ड्यूरेशन लगभग 1 साल होती है। इस कोर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च माना जाता है और ये कोर्स अकाउंटिंग और CFO पोजीशंस के लिए कई कैरियर ऑप्शंस ओपन करता है। एग्जाम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स द्वारा आयोजित किया जाता है जो दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है। CPA क्वालिफिकेशन भारतीय CA क्वालिफिकेशन के समान होती है। इसमें आगे 4 एग्जाम और शामिल होते हैं जिसे 1 वर्ष से कम की अवधि में पूरा किया जा सकता है। CA, MCOM, CS, MBA फाइनेंस और ICWA के बाद CPA को पूरा करने से आपका कैरियर काफ़ी हद तक मजबूत हो जाता है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, जो छात्र टॉप MNCs में काम करना चाहते हैं और वैश्विक स्तर पर जाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेशन एक सही ऑप्शन होगा। CMA को USA के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स द्वारा पेश किया जाता है। इसकी ड्यूरेशन लगभग 1 साल होती है। इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं। CMA को USA के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स द्वारा पेश किया जाता है। इसकी ड्यूरेशन लगभग 1 साल होती है। इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं। CMA फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, प्रोफेशनल एथिक्स, कंट्रोल, डिसीजन एंड सपोर्ट में एक्सपर्टीज का प्रमाण है। कोर्स का समापन छात्रों को पोटेंशियल एम्प्लॉयज का पसंदीदा ऑप्शन बनाता है। इन कोर्सेज के अलावा BCOM के बाद कुछ विशिष्ट अकाउंट्स रिलेटेड कोर्स भी होते हैं और ऐसा ही कोर्स है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ये कोर्स उम्मीदवारों को ना केवल नौकरी के लिए तैयार करता है बल्कि उनका करियर भी बनाता है जो उन्हें अकाउंट्स प्रोफेशनल बनने की ओर ले जाता है। ये कोर्स अकाउंटिंग और टैक्सेशन में अनुभव देता है।
प्रोग्राम के पूरा होने के बाद छात्र अकाउंटिंग और टैक्सेशन के क्षेत्र में कई भूमिकाओं का विकल्प चुन सकते हैं। प्रोग्राम की ड्यूरेशन लगभग एक साल होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग कोर्स में कॉस्ट, बजट और कई प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और एक्टिविटीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी की स्टडी शामिल होती है। आम कॉन्सेप्ट्स जो छात्र इन कोर्स में खोजते हैं वो हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रॉफिट प्लानिंग, बजटिंग और प्राइसिंग, कॉस्ट वेरियंस एनालिसिस और मैनेजरल अकाउंटिंग सिस्टम्स। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जिसे पहले ICWAI के रूप से जाना जाता है, भारत का प्रमुख संस्थान है जो देश में कॉस्ट अकाउंटेंसी के पेशे की शिक्षा प्रदान करता है। ICWA कोर्स एक कॉस्ट मैनेजमेंट लेखाकार बनने का एक प्रवेश द्वार है। ICWA कोर्स को अब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूप से भी जाना जाता है। इस कोर्स में 6 महीने का फाउंडेशन प्रोग्राम शामिल होता है, इसके बाद 12 महीने का इंटरमीडिएट प्रोग्राम और 36 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। इन अकाउंट्स रिलेटेड कोर्सेज के अलावा आप कुछ ऐसे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो डायरेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर्स। बीकॉम के बाद CFA कोर्स एक और लोकप्रिय कोर्स है। इसके लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। CFA उन छात्रों के लिए एक बढ़िया रास्ता है जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं। इस पेशे में बहुत अधिक प्रतिष्ठा और एक उच्च पदनाम है। ये MBA से कम खर्चीला होता है। ये स्टडी उन छात्रों के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर केंद्रित है जो इक्विटी रिसर्च में काम करना चाहते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल होता है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, FRM वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त योग्यता है जो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल द्वारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए प्रदान की जाती है, जो एनालाइजिंग, कंट्रोलिंग, मार्केट, ऑपरेशनल पोटेंशियल क्रेडिट या किसी अन्य प्रकार के रिस्क का आकलन करने में शामिल होती है। इसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल। फाइनेंशियल मॉडलिंग, FM एक वैल्यूएशन टूल है जो कंपनी की ऐतिहासिक जानकारी के साथ काम करना और फाइनेंशियल पैरामीटर पर कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना सिखाता है। ये कोर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉरपोरेट फाइनेंस और क्रेडिट रेटिंग के क्षेत्र में करियर बनाने में मदद करता है। NSE Academy फाइनेंशियल मॉडलिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रदान करता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन है 1 साल। बैंकिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में रुचि रखने वाले BCom के छात्र बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, सर्टिफाइड बैंक मैनेजर प्रोग्राम, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कोर्स और पर्सनल इंश्योरेंस कोर्स, इनमें से किसी भी कोर्स को चुन सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कोर्स थे जिन्हें BCom के छात्र द्वारा लिया जा सकता है। हालांकि यदि आप अपने जीवन में पहले सेटल होना चाहते हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं, तो एक ग्रेजुएट होने के नाते आपके पास केवल प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर में भी लाभ उठाने के लिए कई नौकरियों के अवसर हैं। जैसे अगर आप बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो आप बैंकिंग क्षेत्र में PO या क्लर्क या ग्रेड ए और बी अधिकारी के रूप में शामिल होने के लिए IBPS, CWE PO, SBI PO या क्लर्क एग्ज़ाम और RBI ग्रेड ए और बी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरह से कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं जो BCom के छात्रों को अकाउंट्स और रिलेटेड पोस्ट के लिए नियुक्त करते हैं। आप UPSC द्वारा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और SSC CGL एग्ज़ाम जैसे कई सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पोस्ट में शामिल होने के लिए एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पूरा प्रयास किया है कि आपकी BCom कंप्लीट कर लेने के बाद आपको अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में पूरी जानकारी दे सके। हम ये दावा नहीं करते कि सिर्फ यही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि BCom ग्रेजुएट्स के लिए सबसे अधिक मांग वाले ऑप्शंस हैं। आप अपने इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए दबाएँ बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।